पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ये विनोद जी बैठे हैं, लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मैं चाहता तो नाक में डाल देता, लेकिन इनसे पूछो कभी समस्या आई तो कभी। ये विनोद जी बैठे हैं, लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मैं चाहता तो नाक में डाल देता, लेकिन इनसे पूछो कभी समस्या आई तो कभी। दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अपने गृह जनपद मुरादाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। अपने शांत मिजाज से इतर भूपेंद्र चौधरी ने रविवार रात पार्टी के भीतर अपने विरोधियों को मंच से जमकर खरी खरी सुनाई। रविवार रात पंचायत भवन में अपने स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे भूपेंद्र माइक संभालते ही विरोधियों पर फट पड़े। मंत्री ने कहा, पार्टी के भीतर मेरे आलोचक कहते हैं कि मुरादाबाद मंडल की स्थिति इसलिए खराब हुई क्योंकि यहां भूपेंद्र का एजेंडा चलता है। मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि स्थिति गड़बड़ाई तो है ही, लेकिन जिन लोगों को पार्टी का नेतृत्व करने का अवसर मिला है वो पूरे प्रदेश में उन्होंने कभी लीडरशिप खड़ी नहीं की। ये मेरे दल में नहीं सभी दलों की थ्योरी है। मैं चाहता तो मेयर की नाक में नथ डाल देता, विरोधियों पर हमला बोलते हुए भूपेंद्र बोले। मेरे जीवन काल में सर्वेश जी पूर्व सांसद भाई साहब लगातार चुनाव लड़े, आप उनसे पूछो कभी टिकट में परेशानी पड़ी, पूछो कभी जाकर। वो लोकसभा में भी लड़े, विधानसभा भी लड़े, कभी टिकट में परेशानी पड़ी उनसे जाकर पूछो। सर्वेश सिंह के बाद भूपेंद्र चौधरी ने मंच पर मौजूद मेयर विनोद अग्रवाल का रुख किया, बोले, ये विनोद जी बैठे हैं, ये लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चाहता तो इनकी नाक में नकेल डाल देता, लेकिन इनसे पूछो कि क्या इन्हें कभी कोई परेशानी पड़ी। पार्टी में मेरे आलोचक कहते हैं कि साहब भूपेंद्र जी का एजेंडा चलता है, इसलिए मुरादाबाद मंडल की स्थिति खराब हो गई। तो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ स्थिति तो भाई गड़बड़ाई तो है ही, लेकिन जो जिन लोगों को पार्टी का नेतृत्व करने का अवसर मिला है पूरे प्रदेश में, उन्होंने कभी लीडरशिप खड़ी नहीं होने दी। ये मेरे दल में नहीं सभी दलों की व्यवस्था। और मेरे जीवन काल में सर्वे जी भाई साहब लगातार चुनाव लड़े, आप उनसे कभी पूछो कि कभी टिकट में परेशानी पड़ी, पूछो कभी जाएगा। लोकसभा भी लड़े, विधानसभा भी लड़े, कभी कोई परेशानी आई तो पूछो उनसे। ये विनोद जी बैठे हैं, लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मैं चाहता तो नाक में डाल देता, लेकिन इनसे पूछो कभी समस्या आई तो कभी। पूछो बैठे हैं, कभी पूछो इनसे। रामवीर सिंह चुनाव लड़े लगातार, पूछो कभी टिकट में कोई परेशानी आई हो। राजेश जी भाई साहब बैठे हैं, लगातार चुनाव लड़े, कभी टिकट मांगने कहीं गए हो तो पूछो। जितने सभासद हैं मुरादाबाद में, आप एक बताओ कि एक भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो कार्यकर्ता नहीं है। आप बताओ भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है? दुरप्पा को सभासद बना देगा कोई मेरे अलावा? आप बताओ अगर कोई बनवा दे तो। जितने भी लोग हैं, और मेरे मन में है मेरी भूमिका रहेगी थोड़ी बहुत, तो जो शेष रह गए ना जी, सबको करवा दो, सबको करवा दो। गिरीश जी का मामला चल रहा था, बोले बुद्धि विहार में कितने बनेंगे। मैंने कहा चिंता मत करो, बुद्धि विहार भाजपा का बहुत बड़ा केंद्र, जितने बनेंगे उतने कम पड़ेंगे। तो पार्टी बहुत बड़ा व्यवस्था का हिस्सा है, संगठन का, मेरा भी बहुत बड़ा मन। अभी ब्लॉक प्रमुख बने, लोगों के मन में बहुत उठापटक की थी। राजेश जी भाई साहब बैठे हैं, हम दोनों ने विचार करा, भाई छलझट में चुनाव मत कराओ, और हमने सरेंडर कर दिया। बैठे पूछे, मैंने भाई साहब को समझाया, भाई साहब के मन में भी थी, डॉक्टर साहब बैठे हैं, सरेंडर करके निर्विरोध चुनाव करा दिया। संतोष जी बैठे हैं, बहुत लोगों के मन में ये थी, भाजपा ने लड़ाई, मैंने इनसे कहा चिंता मत करो लड़ाएंगे, आपका अधिकार। ये लड़का बैठा, मैंने पूछ कहा लोगों से, जैसे रामवीर के वैसे करो, ऐसा होता कहीं? सीट सुरक्षित थी, राजपाल सिंह को जब ज्वाइन कराया तो मन में ये थी कि ये नेता है बड़ा, मनीष को परेशान करेगा। ठीक है, मनीष कौन?
तो इसे परेशान नहीं करेगा, इसलिए ये तय हुआ समझौते में कि जो सीट आरक्षित होगी वो दे देंगे। लोगों ने दुनिया भर की बातें करी, साहब बैठे सब लोग, सबके पता सबको जानकारी है। तो उस समझौते के तहत बिलारी लड़ाया गया कि भाई यहाँ इधर हमारी मदद कर दियो, इधर ज़्यादा टेंशन मत दियो, इधर अपन लड़ डालो। तो एक भी कदम, एक घटनाक्रम, एक निर्णय भाजपा का मेरे रहते हुए अगर कोई विवादित हुआ हो तो बताओ। हाँ एक आध छोटी मोटी चीज़ें हों, उत्तम पाल की पत्नी सभासद थी, उत्तम मुझसे बोला भाई साहब मुझे एक सभासद का टिकट दे दो, तो उत्तम विधानसभा चुनाव लड़ने का इतना अधिकार तो है उसका, या नहीं था? उसकी पत्नी सिटिंग सभासद थी तो उसके कहने से टिकट दिया गया। कौन थी महिला जो है? विनोद की पत्नी। लोगों ने कहा साहब गलत हो गया, गलत नहीं हुआ जी। तो सब लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को पूरी ईमानदारी से बढ़ाने का चलाने का काम किया है। दरअसल मुरादाबाद जिले की सियासत में पूर्व सांसद सरबीर सिंह और मंत्री भूपेंद्र सिंह के दो अलग अलग खेमे हैं। दोनों में लंबे समय से अदावत रही है। भूपेंद्र चौधरी संगठन में कई अहम पदों पर रहे हैं, तो वहीं सर्वेश मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा सीट से 5 बार विधायक और 1 बार मुरादाबाद के सांसद रह चुके हैं। उनके बेटे सुशांत सिंह बिजनौर की बढ़ापुर सीट से 2री बार विधायक बने हैं। सर्वेश ठाकुर द्वारा सीट से इस बार विधायकी लड़ना चाहते थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि भूपेंद्र की अदावत उन्हें महंगी पड़ गई। मेयर विनोद अग्रवाल भी सर्वेश सिंह के करीबियों में शुमार थे। मंत्री ने रविवार रात मंच पर बैठे मेयर को जमकर खरी खरी सुनाई। दूसरी बार मंत्री बने भूपेंद्र के तेवर एकदम बदले हुए थे। हमेशा शांत रहने वाले भूपेंद्र ने रविवार रात को सार्वजनिक मंच से जिस तरह अपने विरोधियों पर हमला बोला, उससे उन्होंने संकेत देने की कोशिश की है कि मंडल में अब भविष्य की राजनीति सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।